नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह, आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के हाईली रिसर्च प्ले स्कूल इंटेलिजेंस अवार्ड में पढ़ रहे छोटे छोटे विद्यार्थियों ने मतदान की प्रक्रिया समझी। स्कूल के प्रभारी श्री चित्रेश माथुर ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनाव सम्पन्न कराकर बच्चों को खेल खेल में चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बच्चों ने उंगली पर चुनावी स्याही लगा वोट किया। स्कूल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के बारे में बारीकी से समझाया गया और बच्चों को ईवीएम के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने अपने अपने पसंदीदा फल के नाम व चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर अपने अपने मत का प्रयोग किया। इसी के साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने एक अलग अंदाज में रैली आयोजित कर लोगों को दिल्ली में होने जा रहे चुनाव में अपनी भागीदारी देने व वोट डालने की अपील की। अपने स्कूल में वोटिंग के बारे में सीखा और अपने फेवरेट फ्रूट को वोट दिया। वोटिंग में बारे में सीखा और अपने फेवरेट फ्रूट को वोट दिया। हमने आज वोटिंग के बारे में सीखा और वोट करा। आज हमने वोटिंग के बारे में सीखा और आज हमने अपने फेवरेट फूड को वोट दिया। आज हमने हमारे स्कूल में वोटिंग के बारे में सीखा, हाँ, अपने और फेवरेट फ्रूट को वोट दिया। दिस इज चित्रेश माथुर हियर फ्रॉम इंटेलिजेंशिया वर्ल्ड। द स्टूडेंट्स, द 3 and 4 year old स्टूडेंट्स ऑफ इंटेलिजेंशिया हैड क्रिएटेड अ इलेक्शन कैंपेन टुडे दिस मॉर्निंग एट द KG1 ब्लॉक इन विकासपुरी। दिस इज बेसिकली द मोटिव वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर इलेक्शंस अमंगस्ट द जनरल पब्लिक इन द एरिया। And with the help of the 3 and 4 year old, we were able to create that awareness amongst the public, who were very excited to see the children creating such an awareness. We also held a election campaign and a ballot system in the school itself, where these kids were voting for their favorite fruit through the EVM machine that we created out of a cardboard boxes. So I'm sure the general public would like this, and we are going to hold such events in the near future so that the people are aware of what these 3 and 4 kids are capable of. Thank you. Hi, I'm Dr. Gaurav Nigam, the founder of Intelligentsia, and today the students, they went out on the road with the campaign that everyone should vote. They wrote a letter sort of a thing to everyone who's 18 years and older. They said that since we cannot vote right now, please go out and vote so that we have a better country. And it was a wonderful gesture by the small kids. They understood the entire concept by we replicated the EVMs by putting the fruits on it, the best fruit. They can vote whatever they like. They even understood the concept of nota, and they understood the concept of secrecy, how you have to give the vote while hiding it from the others. And so all in all, we wanted to put and instill these values in them at this age, because it is really helpful for the understanding of the entire concept of voting and their importance in the nation as a whole. So yeah, they understood that. ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल। धन्यवाद।